राखी सावंत को कंट्रोवर्सी क्वीन यूं ही नहीं कहा जाता है। कभी वो अपनी शादी को लेकर हेडलाइंस बनाती हैं तो कभी अपने तथाकथित पति पर आरोप लगाती हैं। राखी की हाल ही में बिग बॉस 14 में एंट्री हुई और उन्होंने घर में जाने से पहले एक इंटरव्यू में बताया कि वो दिवालिया हो चुकी हैं और उन्हें घर चलाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी शादी एक बड़ी गलती थी। स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में राखी ने कहा कि मैं घर में पैसे के लिए जा रही हूँ, मैं दिवालिया हो चुकी हूँ, मुझे अपने और अपने परिवार के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं इसे एक सेकंड चांस की तरह देख रही हूँ, मैं कमाना चाहती हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया और मेरे सारे पैसे लूट लिए हैं। राखी ने बताया कि एक इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है उसने उनके पैसे हड़प लिए। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए उस आदमी ने मेरे सिग्नेचर का गलत फ़ायदा उठाया और मेरी सारी संपत्ति और पैसे ले गया। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी बीमार माँ विधवा बहन के साथ रह रही हूँ। भगवान की शुक्रिया कि मुझे ये रियलिटी शो मिला, मुझे विनिंग अमाउंट की ज़रूरत है। राखी ने बताया कि उनकी शादी एक बड़ी ट्रेजेडी रही और उनका पति उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना ही दुनिया के सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति को थोड़ी भी शर्म होगी तो वो दुनिया के सामने आ जाएगा। वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता, उसे एक साल हो गया यहाँ, वो ब्रिटेन में है। को बता दें कि राखी ने बिग बॉस 14 में जाने से पहले इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।